हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। शिव और शक्ति दोनों इस तरह से जुड़े हुए हैं। अर्ध नारीश्वर का रूप वो ज्वलंत उदाहरण है, जहां शिव और शक्ति को हम अलग अलग नहीं बल्कि एक ही रूप में देखते हैं। प्रकृति ने भी बैलेंस करने के लिए इस सृष्टि को मेल और फीमेल दोनों ही रूपों में एनर्जी को दिया है। यानी एनर्जी कभी ईश्वर की मेल रूप में, कभी फीमेल रूप में हमारे समक्ष आती है। आज मैं बात कर रही हूँ अपने वीडियो में, बहुत सारे मैंने वीडियोस कल्कि अवतार के ऊपर दिए हैं, लेकिन बहुत कम वीडियोस माँ पद्मा के ऊपर दिए हैं। तो मेरे एक व्यूअर का रिक्वेस्ट था कि जितना अधिक आपने कल्कि अवतार के भक्तों के बारे में, वो कैसे जुड़ सकते हैं, आपने बहुत सारी बातें बताई, क्या अच्छा हो कि यदि आप उन भक्तों के बारे में भी बताइए जो भगवान लक्ष्मी की यानी देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से माँ पद्मा की कृपा पाएं, उनकी करुणा का पात्र बने। आज अपने वीडियो में मैं माँ लक्ष्मी के रूप यानी माँ लक्ष्मी जो अवतार लेकर माँ पद्मा के रूप में धरती पर आई हैं, आज उनसे उनके भक्तगण किस प्रकार जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक भक्तगण माँ लक्ष्मी से नहीं जुड़ेंगे, माँ पद्मा की करुणा उन्हें प्राप्त नहीं होगी, उनके जीवन की रौनक भी उन्हें नहीं मिलेगी। क्योंकि जितने इम्पॉर्टेंट कल्कि अवतार, उतनी ही इम्पॉर्टेंट माँ पद्मा भी। इसलिए दोनों का जन्म इस धरती पर हुआ है। बृहद्रथ की पुत्री माँ पद्मा, सिंघल द्वीप की राजकुमारी माँ पद्मा, और जो कोई और नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको ये बात बतलाई है कि बिना लक्ष्मी की सहायता के सतयुग की स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि जहाँ पर धन की कमी नहीं रहेगी यानी वहाँ पर माँ लक्ष्मी का विकास होगा और वो रहेंगी, उनका परमानेंट उनका घर होगा यानी सतयुग, जहाँ पर कि हर किसी के पास धन वैभव समृद्धि भरपूर मात्रा में होगी, गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। तो सतयुग की स्थापना में जितना रोल शिव का है, आदिशक्ति का है, भगवान कल्कि का है, उतना ही मेजर रोल प्ले करेंगी माँ पद्मा। अब माँ पद्मा की कृपा यदि भक्त गणों को पानी है तो वो किस प्रकार पा सकते हैं, और किस प्रकार के भक्तों पर माँ पद्मा प्रसन्न होंगी, सबसे पहले ये जान लीजिए, तो अपने आप समझ लेंगे कि किस प्रकार से हम माँ पद्मा को खुश कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का एक नाम पद्मा भी है, उन्हें कमल का फूल बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें पद्मा नाम दिया गया। माँ लक्ष्मी की कृपा, उनकी करुणा पाने का एकमात्र सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अपने जीवन में सही ढंग से पैसों को कमाया जाए, गलत नीतियों के द्वारा नहीं, गलत रास्ते पर चलकर नहीं। लक्ष्मी स्वभाव से कहते हैं चंचल होती हैं, जितनी जल्दी आती हैं उतनी ही जल्दी चली भी जाती हैं। इसलिए धन कमाते समय सबसे पहले मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ईमानदारी के साथ मेहनत से वो अपना धन कमाए, कोई शॉर्टकट फॉर्मूला ना अपनाए धन को कमाने के लिए, क्योंकि शॉर्टकट तरीके से अन्याय के रास्ते पर चलकर, स्वार्थ लालच और झूठ बोलकर या दूसरों का धन लूटकर यदि इंसान अपनी तिजोरी भरता है, उस तिजोरी में लक्ष्मी कुछ दिनों की कुछ सालों की मेहमान रहती हैं, और जिस तरह से धन कमाया गया रहता है उससे कई गुना ज़्यादा वेग से स्पीड से वो धन चला भी जाता है और इंसान देखता रह जाता है। दुनिया का सत्य यही है कि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, यानी जो भी धन कमाना है और उसका उपयोग करना है इंसान अपने जीवन में
अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। तो जितना धन इंसान को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए या अपने जीवन को सही ढंग से जीने के लिए चाहिए, उतना ही धन कमाने की कोशिश कीजिए। अंधे मत बनिए उस धन को कमाने में और किसी गलत रास्ते को मत अपनाइए, क्योंकि ऐसा करने से आप लक्ष्मी की कृपा आजन नहीं पा सकेंगे। अलक्ष्मी ऐसे घरों में आ जाती है। अलक्ष्मी यानी माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन। समुद्र मंथन के दौरान विष्णु भगवान सबसे पहले निकले अमृत कलश लेकर, और उनके दो दिनों के पश्चात, उनके निकलने के दो दिनों के पश्चात माँ लक्ष्मी भी निकली। इसलिए सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा करनी ही चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हरि नहीं वहाँ पर श्री भी नहीं। यदि आप अपने जीवन में अनुशासनहीन हैं, यदि आप अपने जीवन में दूसरों को धन के लिए चोट पहुँचाते हैं, आप अपने जीवन में किसी गरीब की मदद नहीं करते हैं, यदि आपने ऐसा धन अपने जीवन में कमा लिया जिस पर आपका अधिकार होना ही नहीं चाहिए, तो यकीन मानिए कभी भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, माँ पद्मा का आशीर्वाद ऐसे लोगों को नहीं मिलता और ऐसे लोग उनके भक्तों के लिस्ट में भी शामिल नहीं होते। तो सबसे पहले अपने जीवन को डिसिप्लिन्ड वे में और राइट वे में जीना सीखिए। धन उतना ही कमाने के लिए अपना समय व्यतीत कीजिए जितने की आपको ज़रूरत है। बाकी धन दूसरों के लिए भी छोड़ दीजिए, दूसरों को भी कमाने दीजिए, क्योंकि जितना भी आपने धन कमा लिया, बड़ी इमारत बना ली, सब कुछ एक दिन यही छोड़कर चले जाना है। इसलिए बेहतर यही है कि डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़िए, माँ लक्ष्मी के साथ जुड़िए, उनका आशीर्वाद पाइए। यदि उनका आशीर्वाद भरा हाथ आपके सिर पर आ जाए तो दरिद्रता यानी अलक्ष्मी कभी भी आपके जीवन में, आपके घर में कदम भी नहीं रख सकेगी। तो सच्चे कर्म के द्वारा, जिसका कि भगवान विष्णु कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, सच्चे कर्म करो, जिसका फल देने के लिए ही कल्कि अवतार का जन्म हुआ है। तो सबसे पहले अच्छे कर्म और उसके बाद अच्छे कर्मों के द्वारा धन कमाना, तभी माँ पद्मा के भक्तों के लिस्ट में आप सभी शामिल हो सकते हैं। और डिसिप्लिन्ड लाइफ, ये नहीं कि धन बहुत आ गया और उस धन को किसी नीडी पर्सन को ना देकर, बल्कि उस धन का गलत उपयोग किया, यानी स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में, क्लब में जाकर, नाइट क्लब में जाकर और ड्रग लेकर, गलत कामों के लिए यदि आपने अपने धन को खर्च किया, याद रखिए वो धन इस तरह से आपका रखा हुआ धन तिजोरी में बर्बाद हो जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको कभी नहीं प्राप्त होती। और एक बार अगर वो रूठ गई आपसे तो लाख मनाइए, लाख आप हाथ पांव जोड़ लीजिए, लेकिन उनकी करुणा आपको कभी नहीं मिल सकती। तो माँ पद्मा की यदि ब्लेसिंग्स आपको चाहिए तो सबसे पहले ये जानिए कि सही कार्यों को अंजाम दीजिए, ताकि कल की अवतार की कृपा आपको प्राप्त हो, और उसके साथ ही धन सही ढंग से कमाइए और जितनी आवश्यकता हो उतना ही धन अपने घर में रखिए। तिजोरी में रख कर उसे ताला मार कर, यदि कोई निर्धन व्यक्ति, यदि कोई नीडी पर्सन आपसे आता है मदद मांगने, आपने उसे उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, उसकी तरफ से मुंह मोड़ दिया, तो याद रखिए आपने सोचा किसी ने देखा नहीं, लेकिन हर तरफ कल्कि अवतार की नज़र जिस प्रकार है, उसी प्रकार माँ पद्मा भी एक्टिव रोल में है। उनकी भी नज़र है कि कौन किस तरह से इस कलयुग में धन कमा रहा है और किस तरह से उस धन को बेकार की बातों पर, फालतू कार्यों पर खर्च भी कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।